सागर के मकरोनिया स्थित ऑनडोर माल में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बेचे जाने का मामला सामने आया है। इसमें जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए माल पर छापामार कार्रवाई की और माल से एक्सपायरी डेट के आटा, बिस्कुट और जूस के पैकेट जब्त किए हैं। वहीं खाद्य विभाग ने सभी खाद्य सामग्री के सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब में भेजे हैं। नायब तहसीलदार सोनम पांडे ने बताया कि मनेशिया निवासी अंकित परमार ने माल में एक्सपायरी डेट का सामान मिलने की शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने 25,000 का सामान ऑनडोर माल से लिया था, जिसमें अधिकांश सामान एक्सपायरी डेट का मिला। शिकायत मिलते ही थाना पुलिस हरकत में आई और मामले की जानकारी प्रशासन को दी। नायब तहसीलदार ने बताया कि माल में मिले आटे के पैकेट 2 नवंबर को एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन संचालक ने अब तक उसे बेचा। टीम ने आटे का पूरा लाट सील कर दिया है। वहीं बिस्किट और जूस के पैकेट भी एक्सपायर डेट निकलने के 15 दिन बाद तक बेचे जा रहे थे। फिलहाल खाद्य प्रशासन ने ऑनडोर माल के मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। ये आज एक सूचना ऐसी आई थी कि ऑनडोर मॉल पर एक्सपायर डेट का सामान बेचा जा रहा है। सूचना के पाते ही मैंने फूड इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार मैडम को सूचना दी थी, इस मॉल की जो है तस्दीक की जाए, जाँच की जाए। तो फिर टीम नायब तहसीलदार मैडम और फूड इंस्पेक्टर के साथ में मेरे द्वारा भी मॉल पर जाके देखा गया है। तो कुछ सामान यहाँ पर ऐसा है जो ओवरडेट का पाया गया है, जिसकी जांच फूड इंस्पेक्टर की टीम द्वारा की जा रही है। और जो भी उसमें गलत ओवरडेट का जो माल पाया जाता है उसकी सप्लाई की जा रही है, उसमें धन कार्रवाई होगी। और उसके बाद सर, मुख्य रूप से कौन कौन सा ऐसा सामान है ये? एक्चुअली हमें थाने में एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई, जिसकी सूचना हमें TI साहब से प्राप्त हुई थी कि जो व्यक्ति ने सामान लिया उसको एक्सपायरी सामान यहाँ से सेल किया गया। तो एक्सपायरी सामान की जांच करने के लिए मैंने फूड इंस्पेक्टर से संपर्क किया और हमारी टीम आज जांच के लिए तुरंत ही आ गई। यहाँ जांच हम लोगों ने सभी ने मिलकर स्वयं जाँच करी है और कुछ सामान यहाँ का एक्सपायर्ड मिला है हमें, जिसकी कार्यवाही की जा रही है। मैडम कितने राशि के सामान ये कुछ जो सामान है, आटा है और जूस वगैरह है, बिस्किट हैं, ये बहुत सारा सामान ऐसा है जो 2-4 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है, जिसको ये अभी तक रखे हुए हैं या विक्रय कर रहे हैं। मैडम, आपराधिक मामला दर्ज होगा कि नहीं? बिल्कुल, इसकी सैंपल की जा रही है, फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई जारी है। जो भी सामान हमें गुणवत्तापूर्ण नहीं मिलेगा या दूषित पाया जाएगा, उस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्रवाई करेंगे। मैडम, कौन से स्थान पर कार्रवाई की गई जी? कौन से स्थान पे कार्रवाई की मैडम? ये ऑनडोर है, ऑनडोर मॉल जहाँ पर ये मकरोनिया में स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।